40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर हैज अ मास 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। हमें एक लकड़ी का ब्लॉक दिया गया है जिसकी ये डायमेंशन है, ठीक है, यानी कि ये इसकी लेंथ विड्थ और हाइट है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो इसकी लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है, विड्थ इसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो मास है जिसको उर्दू में कैमियर कहते हैं ये 850 ग्राम है। हमने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं जो गिवन डेटा में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमें चीज गिवन है वो है वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। अगर जब भी आपको लंबाई जरा चौड़ाई जरा ऊंचाई दी जाए तो ये उसका वॉल्यूम होता है, या जिसको हुजम कहते हैं उर्दू में। तो लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर है, विड्थ इसकी 10 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 बन जाएगा, ठीक है, और सेंटीमीटर तीन दफा आ रहा है तो ये इसका सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर 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 मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है इसका सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर से इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए आपने प्रीफिक्सेस पढ़े थे, जब हमारे पास जो एक मीटर होता है उसमें 10^-2 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर जो है वो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-2 हम लगा देंगे और ऊपर पावर उसी तरह 3 आ जाएगी क्योंकि सेंटीमीटर का क्यूब है, और 2000 उसी तरह आ गया मल्टीप्लाई 10^-2 की पावर 3 थी ना, तो पावर की पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। माइनस 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा और ये मीटर क्यूब में चेंज हो गया। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो डेसिमल इसका नहीं है, तो इसका डेसिमल यहाँ पे एंड में होगा। यहाँ से डेसिमल अगर हम शिफ्ट करके यहाँ 2 के पास लेके जाएंगे तो ये 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे आएगा। तो अगर आप आपको पता है जब भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं और 3 डिजिट जब कोई चीज़ लेफ्ट साइड पे आती है तो उसकी पावर +3 हो जाती है। तो -6 में +3 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा और ये 2×10^-3 मीटर क्यूब होगा। ये आप कैलकुलेटर में इस चीज को लिखेंगे तो वो खुद ब खुद इसको साइंटिफिक उसमें चेंज करके साइंटिफिक नोटेशन में आपको ये वैल्यू दे देगा। इसके बाद हमें मास गिवन है, ठीक है, जो कि 850 ग्राम है, और आपको ये भी पता है कि ग्राम जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, इसको हम ऐसा यूनिट यानी कि किलोग्राम किलोग्राम के अंदर चेंज करेंगे। तो 850 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए आधार से तकसीम किया जाता है, उसको डिवाइड करने पर यह 0.85 किलोग्राम आ जाएगा। और अब हमने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, और डेंसिटी को एक सिंबल ये जो होता है इसको हम रो कहते हैं, ठीक है, तो इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में आपने जो टॉपिक पढ़ा था डेंसिटी वाला, उसमें आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि जो डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू एम बाई वी, यानी कि डेंसिटी बराबर होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, मास भी हमें गिवन है, वॉल्यूम भी हमें गिवन है, तो ये हम दोनों चीजें इसमें पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर। तो रो इज इक्वल टू मास की जगह 0.85 आ गया और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह 2×10^-3 आ गया। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से उसके अंदर आप ये वैल्यू लिखेंगे तो वो आपको डायरेक्ट ये आंसर दे देगा। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप 10^-3 ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाकर 10^+3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नीचे से जब कुछ चीज ऊपर जाती है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये नीचे -3 की पावर इसके ऊपर जा गई है, +3 हो गई। और 0.85×10^3 जो है ये आपको पता है 1000 की इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 2। आप 0.85 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 850 आ जाएगा, और इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 425 आ जाएगा। और डेंसिटी का जो यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो रो इज इक्वल टू 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद अगला नंबर